नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, ये उपाय जो आज मैं अपनी वीडियो में आपको बताने के लिए जा रही हूँ, इस उपाय को वे तमाम लोग कर सकते हैं जिनके शरीर में कोई न कोई प्रकार का रोग रहता हो, या जिन्हें ये लगता हो कि नेगेटिविटी मुझे घेर रही है। काफी लोग फोन करके जो मुझे बताते हैं कि हम जब सोते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई हमारे पड़ोस में खड़ा है, कोई लेडी से हमें दिखाई देती है, वो हमें डराती है। जेंट्स आते हैं, पांव के पास खड़े होते हैं और हमसे तरह तरह की बातें करते हैं, खराब लैंग्वेज में हमसे बात करते हैं। ऐसी बुरी आत्माएं हमारे पीछे पड़ी हुई है। वे लोग भी इस उपाय को कर सकते हैं। जो लोग सफलता, जिन्हें किसी मतलब काम में सफलता नहीं मिल रही हो, काम शुरू करते हो लेकिन उसके बाद काम अटक जाता है, काफी ऐसे काम है। काफी लोग ये कमेंट बॉक्स में भी लिख रहे हैं कि हमारा कोई भी काम आसानी से नहीं होता है। कितनी बार ऐसा होता है दोस्तों, शनि ग्रह जब हमें परेशान कर रहा होता है तब हमारी लाइफ में बिना वजह की कले आ जाती है। कितनी बार केतु भी जब हमें परेशान करता है तो कितनी ही छायाएं हमें दिखाई देने लग जाती है। हमारा जो मन है वो भ्रमित रहने लग जाता है, उटपटांग विचार हमें आने लग जाते हैं। विचारों का पावर इतना ज्यादा हो जाता है कि वो चीजें हमें अपने सामने दिखाई देने लग जाती है। अदृश्य शक्तियां, यदि आपका केतु मजबूत है तो अदृश्य दुनिया की शक्तियां आपकी मदद करती है, लेकिन यदि आपके केतु मजबूत नहीं है, कमजोर है, तो यही शक्तियां आपको परेशान करने लग जाती है। ये उपाय जो मैं आपको बता रही हूं, इस उपाय को आप शनिवार के दिन करें। आप कोई भी कैसे भी नेगेटिविटी को सहन कर रहे हैं, जैसे आपको बार बार नजर लग जाती हो, आप अंदर से अच्छा महसूस नहीं करते हैं, किसी काम में आपका मन नहीं लग रहा हो, मतलब नेगेटिविटी का कोई भी रूप जो आपके मन पर हावी है, आपके शरीर पर हावी है, तो आप शनिवार की रात एक कटोरी में लोहे की कटोरी ले लें और उसमें सरसों का तेल भर लें। सोते समय आप उस कटोरी को अपने सिरहाने रख दें और सो जाएं। पलंग है, पलंग के नीचे रख दें, खटिया के नीचे रख दें, सिर की तरफ आपको इसको रखना है शनिवार की रात, हाँ, और फिर आपको सो जाना है। पूरी रात दोस्तों ये तेल आपके सिरहाने रखा रहेगा। जो शनि से जुड़ी हुई प्रॉब्लम से, उन तमाम चीजों को ये तेल अपने अंदर खींच लेता है, ठीक है। उसके बाद सुबह आप उठे, नहा धोकर के फ्रेश हो जाए, जो भी आपका काम है फिनिश कर ले। उसके बाद इस तेल को आप लेकर के चले जाए पीपल के पेड़ के नीचे और आप काली बाती का दिया उसमें लगाए, चौमुखा दिया, काली बाती का दिया ऐसे बनाए, दो लंबी लंबी बाती बना करके ऐसे डाल दे कि चारों तरफ दिए का मुख, बातियों का मुख निकल जाए चारों दिशा में। और इस दिए को आप पीपल के पेड़ के नीचे जला करके बिना पीछे देखे लौट करके आ जाए, ठीक है। जो पीपल के पेड़ के नीचे ना जा पा रहे हो वे लोग सुमसान स्थान में जाकर के इस दीपक को जला करके आ सकते हैं, चौराहे में जाकर के इस दीपक को जला करके आ सकते हैं, ठीक है। या आपके घर के बाहर दक्षिण दिशा में थोड़ा अगर शांत विस्तार है तो आप उस तरफ इसको रख करके जला दें, मतलब ये तेल कंप्लीट जल जाना चाहिए। इस उपाय को दोस्तों आप कम से कम चार शनिवार अवश्य ही आप इसको रिपीट करें। चार शनिवार तक आप इसको यदि कंटिन्यू करते रहेंगे, आप देखेंगे कि आप जिस नेगेटिविटी को भोग रहे थे, सहन कर रहे थे, वो नेगेटिविटी आपकी लाइफ से धीरे धीरे चली जाएगी। कोई भी तकलीफ हो, शारीरिक हो, मानसिक हो या किसी भी प्रकार की हो, बहुत जल्दी आपको राहत देखने के लिए मिल जाएगी। करते रहे, खुश रहे। ये सब कुछ करने में कहीं कोई तकलीफ पड़ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए अवश्य। दोस्तों वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में काफी फ्रॉड लोग अपने नंबर डाल रहे हैं मेरे फोटो के साथ,
कमेंट बॉक्स में कभी भी मैं अपना नंबर नहीं डालती हूँ, तो यदि इन नंबरों से आप कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं अपनी इच्छा से तो कर सकते हैं, पैसे देना चाहते हैं दे सकते हैं, लेकिन इसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना ही इसमें कहीं मेरा कोई शेयर है, ना ही ये नंबर्स मेरे हैं, ठीक है। यदि आप फ्रॉड लोगों से बचना चाहें तो इन नंबरों का कॉन्टेक्ट ना करें, अपनी मर्जी से करना चाहते हो तो अलग बात है, ठीक है। तो सावधान रहें, करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।